अब आजम खान को मनाने के लिए बेटे अब्दुल्ला को बड़े टिकट देकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है सो झुक जाएंगे आजम के सामने। जी हाँ, आजम खान मानने को तैयार नहीं। आजम खान बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कल से ही दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सीने में दर्द के कारण उनका ECG कराया गया, चेस्ट के प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एडमिट कराया गया था। वैसे तो जेल से निकलने के बाद कई दफा आजम ने रोते हुए कहा कि मैं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन आजम खान ने कहा कि मैं संन्यास भी ले सकता हूँ। आजम खान को अब अपने लिए पद नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए चाहिए। पहले भी नाराजगी पीछे कारण बताया जा रहा था कि अगर आजम के परिवार में से किसी एक को टिकट दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो वो सपा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि BSP पूरी कोशिश कर रही है आजम को अपनी पार्टी में लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी और AIMIM पार्टी भी कोशिश कर रही है आजम को अपनी पार्टी में लेने के लिए। यहाँ तक कि शिवपाल ने खुला ऑफर दिया आजम को प्रसपा से जुड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आजम ने प्रसपा ज्वाइन नहीं किया। ना तो BSP, ना कांग्रेस, ना AIMIM की तरफ हो गए, क्योंकि उनकी जो कोशिश है कि अब्दुल्ला, उनके बेटे अब्दुल्ला को सपा में बड़ी जिम्मेदारी वो दिला सके। अब कहा जा रहा है आजम खान को मनाने के लिए अखिलेश यादव उनके बेटे को टिकट देंगे। जी हाँ, लोकसभा उपचुनाव में आजम के बेटे अब्दुल्ला को टिकट मिल सकता है, ये बताया जा रहा है। लोकसभा उपचुनाव के लिए देखा जाए तो इस वक्त की बड़ी खुशखबरी है, कहीं ना कहीं आजम खान ने अपने बेटे के जरिए अपनी राजनीति पारी को आगे बढ़ाने के लिए लिया है फैसला कि वो सपा के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव उनके बेटे को जरूर तवज्जो देंगे। वैसे तो उनके बेटे वाकई में अखिलेश से नाराज तो थे ही, अब आजम के बेटे के आगे अखिलेश और मुलायम झुकेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन BJP के विरोध में जब सपा के सभी नेता अखिलेश के साथ खड़े थे BJP के विरोध में बजट सत्र के दौरान, तो उस वक्त अब्दुल्ला ने शिवपाल के साथ चुपचाप बगैर सपा की टोपी लगाए एक साइड एक तरफा सीट पर बैठने का फैसला लिया, क्योंकि वो भी विरोध में थे। ऐसे में आजम खान के बेटे की नाराजगी दूर करने के लिए उनके आगे मुलायम और अखिलेश झुकने के लिए तैयार होंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कहा जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।